हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ इनकार्ड वीडियो ट्यूटोरियल्स। सो इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट नंबर 8 करेंगे। आई होप कि आपको अभी तक के प्रोजेक्ट में मज़ा आया होगा करने में। तो इस प्रोजेक्ट में हम आरजीबी मूड लैंप बनाएंगे। आई होप कि आपको पता होगा कि मूड लैंप क्या होता है। इस मूड लैंप एक तरह का लैंप होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स जनरेट होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, एक्चुअली डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट दिखते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें एक आपको पता होगा कि जो हमारा प्राइमरी कलर्स है वो रेड, ग्रीन और ब्लू है। तो तीनों का एक हमें एलईडी चाहिए, एक रेड एलईडी चाहिए, एक ग्रीन एलईडी चाहिए, एक ब्लू एलईडी चाहिए और तीन कॉरेस्पॉन्डिंग करंट लिमिटिंग रेसिस्टर चाहिए। करंट लिमिटिंग रेसिस्टर का वैल्यू एज यूजर 85 ओम से लेकर 200 ओम के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, आप फ्री है। तो चलिए सबसे पहले सर्किट को देखते हैं कि सर्किट हमारा कैसा होगा। ये हमारा जो सर्किट होगा कुछ इस तरह का होगा। ये बहुत ही बेसिक का ये कह सकते हैं आप कनेक्शन है, क्योंकि मात्र 3 एलईडीज कनेक्टेड है और जो नॉर्मल कनेक्शन होता है एलईडी का वही इसमें किया गया है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शॉर्टर लेग है वो तीनों एलईडीज का शॉर्टर लेग्स जो है वहाँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कनेक्ट करके उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, और लॉन्गर लेग एज यूजुअल यहाँ पे रेसिस्टर से कनेक्ट करके उसको डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि हम इसमें PWM सिग्नल्स का यूज करेंगे, इसलिए ये जो तीनों LEDs हैं वो PWM इनपुट्स में आपको इंसर्ट करना है। तो 9, 10 और 11 सीरीज में है, कंटिन्यूस एक्चुअली, तो कंटिन्यूस है इसलिए इसमें कनेक्ट कर दीजिए। और या तो इसके अलावा आप बाकी PWM इनपुट भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी बस जो भी पिन यूज़ करिए उसको, जब हम जो कोड है उसमें जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पिन नंबर्स पे आप चेंज कर दीजिए वहाँ पे। तो ये था हमारा सर्किट, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, मैं भी कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोड को अपलोड करेंगे और फिर कोड को समझेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्किट को कनेक्ट कर लिया है और कनेक्शन वही है, कोई चेंजेस किसी तरह का कोई चेंज नहीं है कनेक्शन में। जो मैंने डिस्कस किया था सेम कनेक्शन है। अगर आपको कनेक्शन करने में किसी तरह का कठिनाई हो रहा है तो आप वापस से बैक जाके एक बार चेक कर लीजिए उस पार्ट को, कनेक्शन वाले पार्ट को, ताकि आपका कनेक्शन सही हो। और उसके बाद चलते हैं, चलिए सबसे पहले कोड को अपलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आर्डिनो आईडी में अपना कोड टाइप कर लिया है। आप भी, आई होप कि आपने भी कोड टाइप कर लिया होगा। कोड एग्जैक्टली सेम है जो कि हमारे इनकार्ट के मैनुअल में था, और जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो हम बाद में करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चेंज आप कर सकते हैं कि ये जो सीरियल डॉट बिगिन 9600 यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ किया गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दें। ये इस फंक्शन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में, ये आपके बुक में मैनुअल में दिया गया है, लेकिन एक्चुअली इस फंक्शन का इसमें कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उस फंक्शन को हटा दीजिए। चलिए आप कोड को वेरीफाई करते हैं फिर अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कोड को वेरीफाई कर लिया है, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। और तो अब कोड को अपलोड करने के लिए USB को कनेक्ट कर देते हैं। USB कनेक्ट करने के बाद टूल्स में जाके पोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है COM3। उसके बाद हाँ, COM3 मेरा है, वो आपका कुछ और हो सकता है, आपका COM4 या COM7 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी पोर्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कोड को अपलोड कर दीजिए। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड, ग्रीन और ब्लू LED जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस के साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो आप इस तरह का एक प्लास्टिक का एक कवर बना सकते हैं, या फिर आप एक A4 शीट को रोल कर लीजिए, वाइट पेपर को रोल करके इसको कवर कर दीजिए, फिर आपको दिखेगा कि इसमें इफ़ेक्ट। तो आपको आई होप कि दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का वो कलर चेंजेस होगा, कलर चेंज एक्चुअली स्लो हो रहा है। इसको फास्ट कैसे करना है वो मैं अभी आपको, जब मैं कोड डिस्कस कर रहा हूँ तब बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कलर चेंज हो रहा है। ये यही मूड लैम्प हमारा यही है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के को जेनरेट करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से ग्लो करता है, सिर्फ एक कलर से ग्लो नहीं करता है।
हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट ये जो कलर्स है यहाँ पे कलर्स जेनरेट हो रहे हैं। तो ये कवर करने के बाद आप भी पेपर रोल का रोल बना लीजिए या फिर इस तरह का कैप बना लीजिए वाइट प्लास्टिक का, और उसको इस पर जब ढक दीजिएगा तो ये धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। और थोड़ी देर ऑब्जर्व करिएगा तो आपका कलर चेंज होगा। अगर आपको फास्ट ऑब्जर्व करना है तो मैं बताता हूँ, लूप में लूप फंक्शन में जाइए, जब जाइएगा तो फॉर लूप के अंदर आपको यहाँ पे एनालॉग राइट्स फंक्शन जो होते हैं, जब तीनों पिन के एनालॉग राइट हो जा रहे हैं, इसमें डिले को 100 मिलीसेकंड रखा गया है, आप इसको 10 मिलीसेकंड्स कर दीजिए, 1 0 कम कर दीजिए और फिर से अपलोड कर दीजिए कोड को। उसके बाद देखिएगा ये फास्ट, इसका जो कलर चेंज होगा वो फास्ट होगा। हाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर चेंज है वो थोड़ा फास्ट हो रहा है अब। ये देखिए अब पर्पल हो गया, ये फिर धीरे धीरे मिक्स हो रहा है ग्रीन की ओर, ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जनरेट कर रहा है। उसके पीछे एक लॉजिक है, एक लॉजिक को यूज़ कर रहा है ऐसे। एक्चुअली कलर्स डिफरेंट कलर जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो लॉजिक है वो अभी हम समझेंगे, कोड को जब समझेंगे तब। तो ये है हमारा आउटपुट इस प्रोजेक्ट का। चलिए देखते हैं एक कोड को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये आउटपुट आखिर कैसे आया है। हाँ तो दोस्तों ये है हमारा इस प्रोजेक्ट का कोड। इस कोड में स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल सॉरी डिक्लेरेशंस हुए हैं। तो पहला तीन तो एक तीन एरेज डिक्लेयर किया गया है, RGB 1 2 और 3। सॉरी थर्ड जो एरे है वो इंक्रीमेंट है, उसको INC से डिनोट किया गया है। तो RGB ये हाँ तीनों एरे का तीन एलिमेंट्स है, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है तीन कलर, रेड ग्रीन और ब्लू। तो तीनों के लिए एक एक एरे का एलिमेंट मतलब यूज़ किया गया है। उसके बाद होता है इंट, रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर्स का वैल्यू जेनरेट लेने के लिए है। ये आप आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये रेड ग्रीन ब्लू करके इंटीजर वेरिएबल्स तीन डिक्लेयर कर गया। और फिर यहाँ पे पिंस, हमने रेड पिन ग्रीन पिन और ब्लू पिन जिसमें जिसमें कनेक्ट किया है 11 10 और 9, उसमें हो गया ये तीन पिंस हो गए। अब हम सेटअप फंक्शन में आते हैं। मैंने आपको कहा था ये सीरियल डॉट बेगिन 9600 ये हटा देने के लिए, क्योंकि इस फंक्शन का ये सीरियल मॉनिटर को यूज करने के लिए होता है, उसका बॉड रेट सेट करने के लिए। तो वो अभी आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट नंबर 10 में वो हम समझेंगे, तो अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे आता है रैंडम सीड फंक्शन। तो एक्चुअली क्या है कि हम एक रैंडम नंबर जेनरेट करेंगे रैंडम मैथ फंक्शन यूज़ करके। तो रैंडम फंक्शन एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा कंप्यूटर जो है वो स्यूडो रैंडम नंबर जेनरेट कर सकता है, वो ट्रू रैंडम नंबर जेनरेट नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि आप रैंडम नंबर्स जेनरेट करो, तो वो एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स जेनरेट करता है। तो रैंडम नंबर जब एक सीक्वेंस ऑफ जनरेट कर लेता है, तो हमें जहाँ से रैंडम नंबर चाहिए, तो सीड का काम ये होता है, जब हम सीड यूज करता है तो हाँ तो जब हम सीड यूज करते हैं तब क्या होता है कि हम एक उसको वैल्यू देते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से रैंडम नंबर बताना स्टार्ट करो। तो रैंडम सीड फंक्शन में हम एनालॉग रेड जीरो ऑफ मतलब एनालॉग रेड फंक्शन क्या करता है कि हमारा इनपुट रीड करता है, और ये जीरो जो है ये एनालॉग इनपुट जीरो का कोड सिग्निफाई कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में कि एनालॉग पिन नंबर जीरो पे कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो कुछ कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो जो उसका जो वैल्यू आ रहा है मतलब एक नॉइज़ नॉइज़ तरह का आएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो एक नॉइज़ जनरेट होता है उस पिन से। तो वो नॉइज़ जो है ना आपको बताता है इसमें कि आपको यहाँ से उसमें रेंज एक तरह से हो गया कि रेंज बता देता है कि आप यहाँ से रैंडम नंबर जनरेट करना स्टार्ट करो। तो रैंडम सीड फंक्शन का ये यूज़ होता है। और उसके बाद और आप इसको जब ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और RGB 1 ये यहाँ पे जो आपको ये तीन फंक्शंस दिख रहे हैं, ये जो तीन वैल्यू सेट किए गए हैं RGB 1, पहले इनिशियली RGB 1 के जो तीनों एलिमेंट्स रेड ग्रीन जीरो जो है रेड को डिनोट कर रहा है, 1 ब्लू को और 2 ग्रीन को, ये तीनों को जीरो में इनिशियलाइज कर दिया गया है। इनिशियली ये सारे काम हो रहा है। फिर रैंडम नंबर, ये देखिए रैंडम इसको जनरेट करने से पहले सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट कर लिया गया, और उसके बाद सीड दे दिया गया एनालॉग रेट जीरो के बाद। अब होता है कि अब हम रैंडम फंक्शन यूज कर सकते हैं।
तो रैंडम फंक्शन जो है ये जो है इसमें एक पैरामीटर जाता है, ये 256 आप दे सकते हैं। तो ये होता है कि रेंज देता है। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है कि 0 से लेकर जो भी नंबर दिए आप यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट, जो भी नंबर देते हैं आप यहाँ पे उसके -1 तक ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे ये 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर इंक्लूडिंग 255 कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेता है। तो इसे ये RGB 2 में हम स्टोर कर रहे हैं। अब हम लूप फंक्शन में आते हैं। ये इनिशियल ये सेटअप फंक्शन में ये सारा काम हो रहा था। अब लूप फंक्शन में आते हैं तो रैंडम सीड फिर से यहाँ पे दे किया जाता है, क्योंकि आगे चल के फिर से हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पे रैंडम सीड रैंडम नंबर रैंडम फंक्शन यूज़ करने से पहले हमेशा रैंडम सीड का वैल्यू यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली जब एनालॉग रीड ये 0 से रीड करेगा तो एक नॉइज़ क्रिएट होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ में वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आते रहेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है सीक्वेंस का कि यहाँ से रैंडम नंबर जनरेट करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट आते रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमेशा जो रैंडम नंबर जनरेट होता है वो डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट होता है। तो ये एक एडवांटेजेस होता है। अगर आप रैंडम सीड फंक्शन नहीं यूज़ करके सिर्फ रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको सेम रैंडम नंबर बार बार जनरेट हो रहा है, क्योंकि सीड का वैल्यू तो सेम रह जा रहा है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इस सीड को एक्चुअली यहाँ पे एनालॉग रेट 0 दिया गया आपके बुक में, टाइम से भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइम भी यूज़ करके टाइम फंक्शन यूज़ करके जो करंट टाइम होता है वो हमेशा एज ए सीड वैल्यू डालते हैं, जिससे जो सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा बार बार चेंज होते रहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं, तो एक यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट किया गया है। तो फॉर लूप में क्या किया है कि इनिशियली यहाँ पे ये एक फॉर लूप है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे बंद हो गया है। तो ये इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का वैल्यू सेट कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। तो x 0 से लेकर 3 जा रहा है, तो ये 0 1 2 तीन वैल्यूज़ होंगे। तो तीन इंडेक्स का वैल्यूज़ उसके ये पे कि किस कितने स्टेप्स में इंक्रीज करेगा जो कलर का वैल्यू है, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर जनरेट हो रहा है। तो वो एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। RGB 1 में हमने 0 इनिशियली सेट किया है यहाँ पे, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर स्टेप्स डिसाइड करते हैं ना कि इतने स्टेप्स में वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। तो वही हम यहाँ पे इंक्रीमेंट का वैल्यू डिसाइड ये कर दे रहे हैं, उसमें स्टोर कर दे रहे हैं। तो RGB 1x - RGB 2 ये सॉरी RGB 2 ऑफ एक्स सेम, मतलब अगर 0 है एक्स का वैल्यू, ये इंडेक्स एक्स यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 256। तो यहाँ से एक स्टेप डिसाइड हो गया कि कितने स्टेप्स में इंक्रीमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो है हमारा RGB 1 0 है, RGB 1 जो है हमारा इनिशियली 0 है। 0 माइनस एनी रैंडम नंबर, अगर ये जो है ये RGB 2 में जो हमारा स्टोर हुआ है वो RGB सॉरी 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी नंबर स्टोर हुआ होगा, जो भी नंबर होगा तो वो यहाँ पे ये यहाँ पे आपका डिफरेंस करने के बाद या तो वो 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो इंक्रीमेंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा या तो नेगेटिव होगा। तो इस बात को पॉइंट में रखिएगा कि या तो वो 0 होगा या नेगेटिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर नेक्स्ट फॉर लूप में क्या होता है कि 256 मतलब हमारा जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो 0 से लेकर 255 में कुछ भी जनरेट हो रहा है, तो हम 256 स्टेप्स में उसको यहाँ पे इसलिए डिवाइड किया हमने 256 से, ताकि हमारे पास 256 इंक्रीमेंट कर सकें हम। तो 256 स्टेप्स में हम इंक्रीमेंट करेंगे रेड ग्रीन ब्लू का वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं कि ये 256 टाइम्स चलेगा ये फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप, और ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेड को ग्रीन को और ब्लू को इसमें RGB 1 का 0 1 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, रेड में मैंने बताया था 0 रेड को डिनोट कर रहा है, 1 ब्लू को और 2 ग्रीन को। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इसमें रेड ग्रीन ब्लू में स्टोर हो जाता है, और फिर हम एनालॉग राइट कर देते हैं एनालॉग राइट कर देते हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग पिन में रेड ग्रीन वैल्यू का वैल्यू। आप देख सकते हैं कि हमने डिजिटल पिन PWM पिन यूज़ किया था, तो PWM पिन यूज़ करने के कारण जो ये एनालॉग राइट हो रहा है, ये PWM एक तरह से एनालॉग वैल्यू जा रहा है उसमें, एनालॉग डिजिटल पिन से हम एनालॉग
फंक्शन यूज़ कर ये कर रहे हैं, मतलब सॉरी एनालॉग प्रॉपर्टी उसका यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पिन का, तो एक एनालॉग रिजल्ट ले रहे हैं एक तरह से, आप ये कह सकते हैं कि एनालॉग रिजल्ट ले रहे हैं। तो उसके बाद हम हर स्टेप के बाद एक डिले दे रहे हैं 100 मिलीसेकंड्स का, इसी को मैंने चेंज कराया था यहाँ पे, ये ताकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कंटिन्यूस और थोड़ा स्लो एंड स्टेडी दिखे, इसलिए ये 100 मिलीसेकंड का यूज़ किया गया। यहाँ पे मैंने आपको चेंज करा के 10 कर दिया था। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि RGB 1 जो कि ये यहाँ पे है, ये RGB 1 ऑफ करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट से उसको यहाँ पे देखिए, ये जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है इसका यूज होता है, मतलब जो मीनिंग होता है वो होता है कि RGB 1 of 0 इज इक्वल टू RGB 1 of 0 माइनस इंक्रीमेंट ऑफ 0। तो इंक्रीमेंट का वैल्यू मेरा पहले से निगेटिव है या फिर 0 है, तो उसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमेशा ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीमेंट होंगे, मतलब एडअप होंगे, जो आगे मतलब नेक्स्ट कलर जनरेट होने के लिए हमेशा एडअप होगा। तो ये था हमारे, ये बेसिकली ये लॉजिक है जो आपके बुक में यूज़ किया गया है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, 256 रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, जो कि मतलब सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे RGB 1 में हम 0 कर देते हैं इसको, फिर RGB 2 में, एक बार समराइज कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, फिर हम एक स्टेप डिसाइड कर लेते हैं कि किस स्टेप्स में, मतलब किन स्टेप्स में उसको इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट एक एरे बना के उसमें RGB 1 माइनस RGB 2 डिवाइडेड बाई 256 कर देते हैं, क्योंकि हमें 256 स्टेप्स चाहिए उसमें इंक्रीमेंट करना है, और ये जो डिफरेंस है ये हमेशा निगेटिव आता है या फिर 0 आता है। और फिर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हर बार, तो हर बार जो है कलर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉरी ये निगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ये पहले से निगेटिव था, तो ये निगेटिव था, तो यहाँ पे निगेटिव माइनस यूज करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। या फिर आप एक काम कर सकते थे कि इसको चेंज करके RGB 2 of x माइनस RGB 1 of x यहाँ पे कर सकते हैं, कि मतलब इसको रिवर्स कर दिए तो ये हमेशा इंक्रीमेंट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, तब यहाँ पे हम प्लस यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा लॉजिक है कि रैंडम नंबर जनरेट करके उसमें स्टेप्स डिसाइड कर लिए, कि एक तरह से हो गया कि 0 से लेकर 100 के 255 के बीच में हम स्टेप्स डिसाइड कर लिए, कि 256 से उसको डिवाइड करके, कि धीरे 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 हम हर स्टेप में ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे वो कलर चेंज होता चला जाएगा। 0 0 0 में क्या होगा, वो ब्लैक कलर होगा, मतलब कोई कलर नहीं होगा। और उसके बाद जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज होता चला है। लास्टली क्या हो रहा है कि जब 256 स्टेप्स हो जाएगा, तो मैंने सारे रैंडम कलर्स यूज कर दिए, मतलब 256 के अंदर में, तो उसके बाद जो है हम फिर से रैंडम नंबर जनरेट करना है क्योंकि हमको, तो उसके बाद हम ये फॉर लूप का यूज़ करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो RGB 2 of x जो यहाँ पे ये हुआ था 0 1 2 में रैंडम नंबर ऑफ 256 हुआ था, अब हम क्या कर रहे हैं कि 556 कर रहे हैं, क्योंकि नए कलर हमें जनरेट करना है। तो 556 माइनस 300 से क्या होगा कि वापस से जो नंबर आएगा वो 0 से लेकर 255 के बीच में ही आएगा, लेकिन उसके चांसेस हैं 300 चांसेस हैं कि वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ -300 कर रहे हैं। तो मान लीजिए नंबर आता है 100 जनरेट हुआ, तो 100 माइनस 300 हो गया -200, लेकिन -200 तो हम उसको दे नहीं सकते हैं वैल्यू, वो निगेटिव नहीं जा सकता उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं हम, तो इसका निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम कंस्ट्रेंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रेंट फंक्शन के 3 पैरामीटर रहता है, पहला जो वैल्यू को कंस्ट्रेंट करना है हमको, दूसरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कि कंस्ट्रेंट का एक रेंज होता है ना, कि ए से लेकर बी के बीच में अगर हमको करना है, तो ए मेरा हो गया बीच का जो सेकंड आर्गुमेंट हुआ वो मेरा ए होगा पैरामीटर, और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो मेरा बी होगा, मतलब हमको 0 से लेकर 255 के बीच में इस वैल्यू का कंस्ट्रेंट करना है RGB 2 of x के वैल्यू को। तो इससे क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए वैल्यू निगेटिव है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर वैल्यू जो इसका वैल्यू आ रहा है RGB 2 of x का वो 255 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो 255 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू रहेगा इसका 0 से लेकर 255 के बीच में रहेगा, और ये चेंज हो जाएगा पिछले वाले से, जो यहाँ पे हमने किया था उससे चेंज हो जाएगा। उसके बाद हर स्टेप के बाद हम एक डिले दे रहे हैं ताकि जो प्रोसेस है वो थोड़ा
ये हो मतलब स्लो एंड स्टेडी हो, तो इस डिले को भी चेंज करके आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस डिले को चेंज करके हम ये कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, तो इस डिले को भी चेंज करके हम फास्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अगर आप इसको 100 कर दीजिए तो यहाँ पे जो टाइम इलेप्स होगा वो कम होगा, तो कलर चेंज और जल्दी से होगा। तो ये था हमारा कोड इस प्रोजेक्ट का। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ये लॉजिक जो है आपके बुक में यूज किया गया, इसलिए मैंने आपको ये लॉजिक समझाया। आपको अगर कोई और लॉजिक यूज़ करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप साइन फंक्शन यूज कर सकते हैं, कोसाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 0 से लेके 1 256 तक इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू को, तो जैसे चाहे आप उसको कर सकते हैं। ये इस बुक में जो आपके ट्यूटोरियल में दिया गया लॉजिक है, ये लॉजिक वो लॉजिक मैंने समझा दिया। बाकी आपका लॉजिक डिफरेंट भी हो सकता है, तो यू आर फ्री टू यूज़ एनी काइंड ऑफ लॉजिक अनटिल एंड अनलेस आपका रिजल्ट जो है वो जो आप चाहते हैं वो आ रहा है, तब तक आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।